हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैट। एक ऐसा वीडियो जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड था, जैसे कि आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर एक बात बताइए कि सीयूटी एग्जाम की बात करें और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, दोनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट डेट चाहिए। मतलब सीयूटी एग्जाम की अगर हम बात करें, जब हम फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वहां पर वो अलग डेट मांगता है डॉक्यूमेंट की, और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट की अलग डेट मांगती है। देखिए, इसी बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, लास्ट ईयर का CSS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, एक ऐसा नोटिफिकेशन जो कि एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है CSS की। CSS क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन पोर्टल है, जिसके जरिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन होता है। और CUET का भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमें यहाँ पर CUET के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जो लास्ट ईयर आया था CUET 2023 के लिए, और ये 43 नंबर पेज है, 43 नंबर पेज है, चाहो तो आप इंटरनेट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे ये जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लियू ऑफ द जनरल EW सर्टिफिकेट। तो EW सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने डेट क्या मांगी है यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद का इन्होंने डेट मांगा है। ये समझ में आ गया भाई, CUET की बात करें, हम CUET की बात करें तो 1 अप्रैल 2022, CUET 2023 में मांगा गया था। अब आते हैं CSS पोर्टल पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, यहां पर इनकी डेट देखे, ये रहा मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023। EW सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं, मैंने एक सर्टिफिकेट उठा लिया एग्जाम्पल के तौर पर। EW सर्टिफिकेट हमने देखा CUET के अंदर, तो यहां पर लिखा हुआ ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, और यहां पर लिखा हुआ है 31 मार्च 2023। मैंने सोचा कि हो सकता है कि 2024 के लिए चीजें चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल उठाया CUET PG का। अगर हम CUET PG की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, आप PG का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेज नंबर 18 है, वहां पर भी क्लियर लिखा हुआ है जनरल EW सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, वी शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। मतलब CUET का ऐसा नोटिफिकेशन जो कि 2024 वाले बच्चों के लिए आया हुआ है, 24-25 वाले बच्चों के लिए आया हुआ है, उस पर 1 अप्रैल 2023 की डेट मांगी गई है। तो मैं क्लियरली आपको समझाऊं, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो आपको यहां पर क्लियरली बता देता हूं कि अगर 2023 का नोटिफिकेशन आया था CUET का, तो उस पर डेट मांगी गई थी 1 अप्रैल 2022 की या उसके बाद की। और फिर CSS 2023 की बात करूं, या 2023 है, 2023 की बात करूं, तो ये डेट मांगी गई थी 31 मार्च 2023 के बाद की। समझ में आया, ये मांगा गया आफ्टर 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 2022, और ये मांगा गया आफ्टर 31 मार्च 2023। अब जो एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है CUET UG 2024 वाले बच्चों के लिए कि 2024 के अंदर वो आपसे डेट मांगे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, अगर मैं इसी डेटा के साथ जाऊं। इसी तरीके से CSS 2023 वाला जो है, CSS 2023 यहां पर था। अब अगर मैं 2024 की बात करूं, CSS 2024 की अगर आप बात करते हैं, तो फिर उसका डेट पूरे चांसेस है कि 31 मार्च 2024 आपकी मांगे। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये बच्चों को इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे या फिर चीजें सेटल हो जाएंगी। मेरा काम था आपको अपडेट देना, जिससे कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट के साथ तैयार हो जाए। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच।